प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। देखिए देवी की पूजा में कवच, कीलक और अर्गला, इसका विशेष महत्व है और उसमें भी कुंजिका स्तोत्र का और देवी कवच का महत्व सबसे ज्यादा बताया गया है। अगर हम देवी कवच की बात करें तो देवी कवच का उपदेश ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को किया था। ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय ऋषि को इसके बारे में बताया था। इस कवच में अपूर्व शक्ति है, ये कोई साधारण स्तुति नहीं है, ये बहुत ताकतवर स्तुति मानी जाती है। इसमें देवी के अलग अलग नामों का और उन नामों की जो देवियां हैं उनकी अलग अलग शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अगर आप देवी कवच का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से आप हर प्रकार से सुरक्षित हो जाते हैं। अकाल मृत्यु, तंत्र मंत्र, मुकदमे जैसी बाधाओं से व्यक्ति बचा रहता है अगर इसका पाठ करता है तो। कितनी भी बड़ी विपत्ति को आप इसका पाठ करके काट सकते हैं, टाल सकते हैं। यहां तक कि देवी कवच का पाठ करने से मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति भी हो सकती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जिस तरह की भावना आप करते हैं उस तरह का फल आपको देवी कवच के पाठ से मिलता है। तो याद रखिए कि देवी कवच एक बहुत बड़ी सुरक्षा है जीवन की तमाम बाधाओं से, दुर्घटनाओं से और उतार चढ़ाव से निपटने के लिए देवी कवच का पाठ किया जाता है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। देखिए देवी कवच, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या है, तंत्र मंत्र की बाधा है, कोई बहुत बुरी ग्रह दशा चल रही है, यानी आपके लिए संकट बिल्कुल आपके सर पर सवार है, ऐसी स्थिति में देवी कवच का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। कैसे करेंगे? रोज सवेरे या मध्य रात्रि में, मिड नाइट में इसका पाठ आपको करना चाहिए। देवी के सामने घी का एक दीपक जलाएं, सामने एक जल का पात्र छोटे से लोटे में या कटोरी में जल भर करके रखें। इसके बाद दुर्गा कवच का पाठ करें। पाठ के थोड़ी देर बाद, पाठ के तुरंत बाद नहीं, क्योंकि पाठ करने के तुरंत बाद जल नहीं छूना चाहिए, तो पाठ हो जाने के लगभग 5-10 मिनट बाद आप सामने रखे हुए जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिए। आप सुरक्षा की स्थिति में आ जाएंगे। और मान लिया शरीर के किसी विशेष हिस्से में समस्या है, आपको कमर में दिक्कत है, आपको हृदय में दिक्कत है, आपको पेट में दिक्कत है, तो उस स्थान पर उस जल को लगाइए। देवी कवच का एक अमोघ प्रयोग ये है कि इसको भोज पत्र पर लिख करके अनार की कलम से और अष्टगंध की स्याही से भोज पत्र पर लिखकर गले में धारण करना भी अमोघ फल देता है, व्यक्ति को बहुत मजबूती से बचा लेता है। लेकिन याद रखिए कि जो कोई व्यक्ति भी देवी कवच का पाठ करेगा, देवी कवच का प्रयोग करेगा, वो सात्विक रहेगा। खास तौर से भोजन के मामले में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेगा। जितना ज्यादा सात्विक रहेगा उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। देखिए वैसे तो दुर्गा कवच की कोई बराबरी नहीं है, और अगर आप नियम के साथ चीजों को समझ करके दुर्गा कवच का पाठ करें तो आपकी सुरक्षा होती है। आपकी मारक दशा चल रही है, आपका बहुत खराब समय चल रहा है, और ऐसे में दुर्गा कवच का पाठ आपकी रक्षा करता है।
लेकिन मान लिया कि आप नहीं कर पाते कवच का पाठ, आपको कठिन लगता है, तो दो तरीके बता देते हैं। एक तो नाम का जप करना बहुत विशेष होता है, तो आप खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय दुर्गा 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 ये नाम अपने मन में दोहराते रहिए, इससे भी आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं दो बार दुर्गा दुर्गा कहकर निकलिए, कोई काम शुरू करने जा रहे हैं दुर्गा दुर्गा कहकर के काम शुरू करिए, इस नाम के प्रभाव से भी आपकी रक्षा होगी, क्योंकि ये नाम अपने आप में बहुत मजबूत है और बहुत भाग्यशाली है। इसलिए अगर आप देवी कवच का पाठ नहीं कर पाते तो आप परेशान मत होइए, आप देवी के नाम से भी पूरा लाभ इसका उठा सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।